जीएसटी पार्ट 7 में आपका स्वागत करता हूँ। और जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि सर जो आपने डेफिनेशन दी हुई है वो लिखे, मतलब उस डेफिनेशन के बारे में हम डिटेल कहाँ से लें, उसके लिए हमने एक ब्लॉग बना दिया है। इसको आप ब्लॉग डॉट ए कैपिटल से लिखिएगा, अखिलेश ए के एच आई एल ई एस एच, फिर डी कैपिटल से डी डब्ल्यू आई वी डी आई और एच पी एच ना। इस पर जब गूगल पर आप सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा, उसमें फिर हम ये सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन डिटेल में दे रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी नहीं जा सकती, तो इसलिए बाकी सारी इसका डिस्क्रिप्शन हम वहीं पे दे रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेन डेफिनेशंस की। सबसे पहला जो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब हमने जैसे लॉ में भी बताया था, प्रतिफल। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ सामान खरीदते बेचते हैं तो मॉनेटरी वैल्यू जो भी आप देते हैं, जो भी मौद्रिक लेन देन करते हैं, वो उसके मतलब किसी चीज़ को देने या खरीदने को देने, जो भी पैसे के फॉर्म में चीज़ मिली, या जब हम कोई चीज़ खरीदे तो एक आदमी को पैसा मिला, एक आदमी को सामान मिला, तो वो चीज़ कंसंट्रेशन है। एक आदमी को सामान मिलेगा, वो सामान उसके लिए कंसंट्रेशन है, और पैसा जिसको मिला वो पैसा उसके लिए कंसंट्रेशन है। जैसे हम मोबाइल किसी से खरीदने गए तो हमने उसको मोबाइल हमने उसको पैसा दिया, तो जो पैसा है वो उसके लिए कंसंट्रेशन है, और उसने जो हमको मोबाइल दिया वो मेरे लिए कंसंट्रेशन हो जाएगा। फिर काउंसिल का मतलब हुआ कि एक काउंसिल जीएसटी काउंसिल होती है, वो सारे मेन डिसीजंस लेने के लिए इसके लिए लाइव है। इसके बारे में लास्ट टाइम पे ही हमने बताया था, जब जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया था कि कैसे बनती है ये। फिर क्रेडिट नोट है। देखिए क्रेडिट नोट कुछ सिचुएशंस में आप इशू करेंगे, जैसे व्हेन द गुड्स आर रिटर्न बाय द रिसिपिएंट, जो भी गुड्स को रिसीव किया उसने वापस कर दिया किसी वजह से वापस। व्हेन द सप्लायर हैज चार्ज एक्सेसिव टैक्स वेयर अ लोअर रेट ऑफ टैक्स शुड हैव बीन चार्ज, मतलब सप्लायर जो था उसने ज्यादा टैक्स लगा दिया जबकि टैक्स कम लगाना चाहिए था, तो उस केस में भी वो इनवॉइस में कटिंग फटिंग नहीं होती है, उसके लिए क्रेडिट नोट इशू हो जाता है। फिर नेक्स्ट है व्हेन द गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, इस केस में भी वो क्रेडिट नोट आपको इशू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं डेबिट नोट के बारे में। तो डेबिट नोट में दो सिचुएशन है। व्हेन द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स चेंजेस आफ्टर इश्यूएंस ऑफ द इनवॉइस, आपको कोई इनवॉइस इशू कर दी गई और उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज हो गई, तो उस केस में। एंड व्हेन अ नंबर ऑफ टैक्सेस चार्जेस आफ्टर इशूइंग ऑफ इनवॉइस, जब इशू हो गई इनवॉइस और फिर कई सारे टैक्सेस को चार्ज किया गया, तो इस केस में। तो इन सारे केसेस में इधर में डेबिट नोट और ऊपर वाले में क्रेडिट नोट इशू की जाएगी। डिजिटल सिग्नेचर, जैसे हम कोई भी एक डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर करते हैं उससे बाउंड होते हैं। अब यहाँ तो सारा काम ऑनलाइन है, तो इसलिए उसका डिजिटल सिग्नेचर आपका करवा लिया जाएगा, और उसी को बाकी जितने आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है वो एफिस किए जाएंगे, और उसका वही मतलब होगा जैसे आप नॉर्मल किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर करने के बाद बाउंड हो जाते हैं, तो वैसे ही डिजिटल सिग्नेचर में भी हो जाए। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसको आप ई कॉमर्स कहते हैं, कोई भी सामान ऑनलाइन खरीदना बेचना, जितने भी हैं आजकल वेबसाइट से लोग खरीद रहे हैं आप लोग, फ्लिपकार्ट अमेजोन उनसे। एग्जेम्प्ट सप्लाई वो है जिसके ऊपर जो है टैक्स वोक्स नहीं लगना, वो। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट एस्टेब्लिशमेंट वो जगह होती है जो स्थाई प्लेस है, जहाँ पे सामान आता जाता है, जो आपका मेन जो स्थाई जगह है, पता है, जिसके ऊपर सामान आता जाता है। अब ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जैसे कोई खोंचा है, कोई दुकान है, आज इधर दुकान उधर, वो नहीं, एक फिक्स्ड प्लेस बिजनेस। फॉरवर्ड चार्ज, अगर कोई सप्लायर आपको सामान दे रहा है तो सामान देने के साथ ही वो टैक्स भी आपसे लेके खजाने में जमा कर देगा, वो फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, फंड, देखिए जीएसटी के लिए कुछ फंड गवर्नमेंट ने बनाया है, जो कि मतलब क्या कहते हैं, बिजनेसमैन से और भी जगहों से कलेक्ट किया जाएगा, और जीएसटी के लिए जीएसटी के काम के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए उसका यूज़ किया जाएगा। गुड्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो गुड्स की डेफिनेशन वही है जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट में है, जैसे सेल्स ऑफ गुड में लिखा है सारी मूवेबल चीज़ें गुड्स हैं, ऐसी चीज़ों को जो कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे करेंसी जो अभी चल रही है उसको गुड में, क्योंकि अगर हम करेंसी को लेंगे तो फिर तोलेंगे किसमें वैल्यू, फिर डेटर्स को हम एसेट मानते हैं, एक्शनेबल क्लेम है जिनको, उसको भी छोड़ देना है। ठीक है, तो इनको छोड़कर जो भी वैल्यू, जो भी मूवेबल चीज़ें हैं जो एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं, वो गुड्स के फॉर्म में हम लोग लेके चलेंगे। अब जैसे पेड़ हैं, फसलें हैं, तो पेड़ और फसलों को जब तक काट नहीं लिया जाएगा जमीन से, तब तक वो गुड्स के फॉर्म में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वो वही डेफिनेशन गुड्स वाली इसमें भी लगती है। फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, देखिए
ये टैक्स का पूरा जो सिस्टम है, हमने बताया कि जीएसटी का टैक्स का सिस्टम पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज दोनों मिल के एक सिस्टम बना रही हैं, जिससे वो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक को सबको हेल्प करने के लिए एक पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है, उसी को जीएसटी नेटवर्क कहा जाता है। फिर जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, अब जैसे हमने आपको लास्ट टाइम में बताया था, बिजनेसमैन ऐसे थे जो मतलब ये ऑनलाइन इतना नहीं जानते, इतनी इंग्लिश नहीं जानते, तो इनकी हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने ट्रेंड जीएसटी लोगों को बनाया है, उनको कहते हैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, और वो आपको जाएंगे, आपका पूरा सब सिस्टम समझेंगे और आपको जीएसटी को फाइल करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ने ये 13 डेफिनेशंस के ऊपर बात किया। ओके, थैंक यू।